आज मैं आपको हिंदी का पेपर दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए होते हैं और फिर आपको यहाँ पर भी कुछ निर्देश लिखे हुए मिल जाएंगे। इसके बाद ये देखो, एक गद्यांश दिया हुआ होगा। गद्यांश में इसमें से पढ़ कर के आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ये देखिए, ये गद्यांश है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और ये सेकंड पैराग्राफ है और ये इसके प्रश्न हैं। इसे पढ़ करके ये प्रश्न पूछे गए हैं कि चोर किसे कहा गया है और क्यों, आधुनिक ज्ञान विज्ञान से संपन्न व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। इस तरह से ये दो दो मार्क्स के चार क्वेश्चन हैं और एक एक के दो क्वेश्चन हैं। अब देखिए, ये वाला, ये खंड क है, इसमें निर्देशानुसार उत्तर लिखने हैं। ये देखो आप, ये ग्रामर क्वेश्चन से है, ये भी निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन करके लिखना है। यहाँ पर देखिए, एक एक नंबर के चार क्वेश्चन हैं, यहाँ पर भी एक एक नंबर के चार क्वेश्चन हैं, उसके बाद अगेन एक एक नंबर के चार क्वेश्चन हैं, ये भी ग्रामर सेक्शन से है। और फिर उसके बाद इनमें से किन्हीं चार के उत्तर देने हैं, ये भी एक एक नंबर के चार प्रश्न हैं। तो आप देखो, इन पंक्तियों में से रस को पहचान करके लिखना है। करुण रस का उदाहरण, आलंबन का उदाहरण, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, गोपियों की विरह दशा। अब कहने का मतलब ये है कि खंड खै जो है उसमें ग्रामर के क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। उसके बाद आप ये देखिए, खंड गै यानी तीसरा भाग जो है, इसमें भी गद्यांश को पढ़ करके प्रश्न पूछे गए हैं। और ये देखो, तीन क्वेश्चंस हैं, दो दो नंबर के, तीनों कितने नंबर के हैं, दो दो नंबर के हैं, यानी कि टोटल छः नंबर, एक फिर से गद्यांश आ गया है। उसके बाद आप ये देखिए, आठ मार्क्स के लिए आपके जो लखनवी अंदाज और ये सब इनमें से क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत, नौबत खाने में इबादत और ये नेताजी का चश्मा, सभी प्रश्न अलग अलग हैं। इनमें से आपको चार प्रश्नों के उत्तर देने हैं 30 से 40 शब्दों में, और दो दो अंक के हैं, चार क्वेश्चन करने हैं, आठ के हैं टोटल, टोटल आठ मार्क्स के ये वाले हैं। उसके बाद आप ये देखिए, एक और क्वेश्चन है जो काव्य खंड से है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ करके, काव्यांश यानी कविता के अंश को दिया गया है, लड़की अभी शयानी नहीं थी अभी इतनी भोली, ये देखो कन्यादान कविता से कुछ पंक्तियाँ ली गई हैं, फिर उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चंस दो दो नंबर के हैं और तीन क्वेश्चन हैं, ये कै खै और गैत, तीन क्वेश्चन हैं, टोटल छः नंबर के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपका आ जाता है कि नी चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए और 30 से 40 शब्दों में लिखना है। आप देख सकते हो, पहला प्रश्न राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से आया है, ये भी, फिर संगतकार, संतुरित मुस्कान और ये अट नहीं रही कविता के आधार पर, दो दो नंबर के चार क्वेश्चन हैं, ये टोटल आठ नंबर के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद एक और प्रश्न आता है, इनमें से दो के उत्तर देने हैं और उत्तर लिखने हैं 50 से 60 शब्दों में, ये भी तीन तीन नंबर के दो प्रश्न हैं। इसमें आप देख सकते हो, ये देखो, जाज पंचम की नाक, माता का आंचल और साना साना हाथ जोड़ी, ये तीनों में से आपको कोई दो प्रश्न करने हैं। उसके बाद आप ये देखिए, खंड घ में निबंध लिखना है 200 से 250 शब्दों में, निबंध के आपको विषय दिए हुए हैं, ये आपको कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं, यानी कि इसके बेस पर आपको अपना निबंध लिखना है, जैसे कि आधुनिक जीवन शैली और स्वास्थ्य के मुख्य बिंदु क्या रहेंगे, जीवन शैली में आ रहे परिवर्तन, स्वास्थ्य का महत्व और
जीवन शैली का स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो ये तीनों बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखना होता है। इसी प्रकार से ये दूसरा निबंध है और ये तीसरा, तीनों में से किसी एक पर आपको एक निबंध लिखना होगा जो 10 नंबर का है और 200 से 250 शब्दों का है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये देखो, इसमें पत्र लिखना है स्वच्छता अभियान के आधार पर विचार व्यक्त करते हुए समाचार पत्र के संपादक को 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है, 5 मार्क्स का है। दूसरा विषय परिवर्तन के लिए है। उसके बाद एक और प्रश्न आ रहा है, विज्ञापन तैयार करना है, विज्ञापन भी 5 नंबर का है और 25 से 50 शब्दों में एक आपको विज्ञापन तैयार करना है कि प्रकृति की रक्षा से धरती और मानव जाति की रक्षा संभव है। दूसरा है पर्यावरण की शुद्धता के लिए सरकार की ओर से सार्वजनिक वाहनों के उपयोग की अपील करते हुए लगभग 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है, यानी दोनों में से एक पर करना है, अथवा का मतलब होता है या तो ये करो या ये करो। ये भी 5 नंबर का आपका प्रश्न होता है। ये आपका सैंपल पेपर है 10th का CBSE का 2020 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।